30 नवंबर और 1 दिसंबर 2017 को हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने 15वां लीडरशिप समिट का आयोजन किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पीएम मोदी ने बाद में सभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं एचटी लीडरशिप समिट 2017 में प्रधानमंत्री के संबोधन का मुख्य अंश। आई नाउ इनवाइट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू डिलीवर हिज इनॉग्रल एड्रेस। शोभना भरतिया जी, उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, मुझे फिर एक बार आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। बहुत से पहचाने चेहरे मैं देख रहा हूं। हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप और उसके पाठकों का मैं बहुत बहुत आभार, क्योंकि मुझे फिर से बुलाया है। साथियों, 2 साल पहले जब मैं समिट में आया था तो विषय था टवर्ड्स अ ब्राइटर इंडिया, टवर्ड्स अ ब्राइटर इंडिया। और 2 साल के भीतर भीतर हम आज द ई रिवर्सिबल राइज ऑफ इंडिया पर बात कर रहे हैं। ये सिर्फ विषय का बदलाव नहीं है, ये देश की सोच में आए बदलाव, देश के आत्मविश्वास में आए बदलाव का ये जीता जागता प्रतीक है। अगर हम देश को एक संपूर्णता में देखें, एक लिविंग एंटिटी की तरह देखें, तो आज जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे देश में आया है वो पहले कभी नहीं था। मुझे नहीं याद पड़ता कि देश के गरीबों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, शोषितों, वंचितों ने अपने सामर्थ्य, अपने संसाधन, अपने सपनों पर इतना भरोसा पहले कभी किया हो। ये भरोसा अब आया है। हम सब 125 करोड़ भारतीयों ने मिलकर इसके लिए दिन रात अथक परिश्रम किया है। देशवासियों का अपने आप पर भरोसा, देश पर भरोसा किसी भी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का सबसे ताकतवर मंत्र होता है। आज गीता जयंती है और गीता में बड़ी स्पष्टता से कहा गया है, उद्धरेत आत्मन आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुर आत्मना। स्वयं को ऊपर उठाओ, नकारात्मक विचारों को टालो, आप ही स्वयं के मित्र हो और आप ही स्वयं के शत्रु। और इसलिए भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, अपदीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। 125 करोड़ देशवासियों का बढ़ता भरोसा इस देश के विकास की एक मजबूत नींव बन रही है। इस हॉल में बैठे हर एक व्यक्ति से लेकर इस होटल के बाहर जो व्यक्ति ऑटो चला रहा है, कहीं रिक्शा खींच रहा है, कहीं खेत में टूटे हुए किनारे को ठीक कर रहा है,
कहीं बर्फ में रात भर पहरा देने के बाद अब किसी टेंट में सो रहा है, उसने अपने हिस्से की तपस्या की है। ऐसे हर भारतीय की तपस्या ही है जिसकी वजह से हम टवर्ड्स अ ब्राइटर इंडिया से आगे बढ़कर इरिवर्सिबल राइज ऑफ इंडिया पर आज बात करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। साथियों, 2014 में देश के लोगों ने सिर्फ सरकार बदलने के लिए वोट नहीं दिया था, 2014 में वोट दिया गया था देश बदलने के लिए, सिस्टम में ऐसे बदलाव लाने के लिए जो स्थायी हो, परमानेंट हो, इरिवर्सिबल हो। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद हमारी सिस्टम की कमजोरी हमारे देश की सफलता में आड़े आ रही थी। एक ऐसा सिस्टम था जो देश की क्षमताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। हर तरफ देश में किसी न किसी व्यक्ति को इस सिस्टम से दिन रात लड़ना पड़ रहा था। मेरा ये प्रयास, और सिर्फ प्रयास ही नहीं, कमिटमेंट भी है कि लोगों की सिस्टम से ये लड़ाई बंद हो, उनकी जिंदगी में इरिवर्सिबल चेंज आए, ईज ऑफ लिविंग बढ़े। छोटी छोटी चीजों के लिए, रेल बस का टिकट कराने के लिए, गैस के कनेक्शन के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए, पासपोर्ट पाने के लिए, इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए, कब तक ये देश का नागरिक परेशानियां झेलता रहेगा? हम उसे परेशानियों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साथियों, इस सरकार के लिए करप्शन फ्री, सिटीजन सेंट्रिक और डेवलपमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नीतियों पर आधारित, तकनीक पर आधारित, पारदर्शिता पर आधारित एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें गड़बड़ी होने की, लीकेजेस की कम से कम गुंजाइश हो। अगर मैं जनधन योजना की ही बात करूं तो ये गरीबों की जिंदगी में ऐसा बदलाव लाई है जो पहले शायद ही कोई सोच सकता था। जिस गरीब को पहले बैंक के दरवाजे से धुतकार कर भगा दिया जाता था, उसके पास आज उसका अपना बैंक अकाउंट है। जिनके जनधन अकाउंट खुल रहे हैं उन्हें रुपे डेबिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। 125 करोड़ लोगों के हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा है। उस गरीब के आत्मविश्वास के बारे में सोचिए जो वो बैंक में जाकर के पैसे जमा कराता है, जो वो रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। ये आत्मविश्वास, ये हौसला अब परमानेंट है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसे ही उज्ज्वला योजना है, गांव में रहने वाली 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी इस योजना ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दी है। उन्हें सिर्फ मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं मिला, उन्हें सुरक्षा मिली है, उन्हें सेहत मिली है, उन्हें परिवार के लिए समय मिला है। ऐसी करोड़ों महिलाओं की जिंदगी में आए बदलाव के बारे में भी सोचिए, जो बदलाव स्वच्छ भारत मिशन की वजह से आया है। सरकार ने सिर्फ शौचालय नहीं बनाए,
बल्कि उनकी करोड़ों महिलाओं को, बेटियों को उस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है जिसे सूरज ढलने का, शाम होने के इंतजार में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। कुछ लोग थोड़ी सी गंदगी की फोटो खींचकर बहस करते रहेंगे, लिखते भी रहेंगे, टीवी पर दिखाते भी रहेंगे, लेकिन लोगों को पता है कि इस अभियान ने जमीन पर किस तरह का इरिवर्सिबल बदलाव ला दिया है। और अभी शोभना जी ने भी वर्णन किया कि हिंदुस्तान टाइम्स के छोटे से प्रयास को भी कितना जन समर्थन मिला, और ये समर्थन ही उस इरिवर्सिबल इंडिया की, उस राइज की चर्चा करता है। भाइयों और बहनों, मुझे नहीं मालूम कि इस हॉल में बैठे कितने व्यक्ति इसे रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जितना आप यहां से जाने के बाद पार्किंग टिप के तौर पर जो पैसे किसी को देते हैं, उससे बहुत कम में आज गरीब की जिंदगी का बीमा होता है। सोचिए, सिर्फ एक रुपये महीना पर दुर्घटना बीमा और 90 पैसे के प्रतिदिन के प्रीमियम पर जीवन बीमा आज देश के 15 करोड़ से ज्यादा गरीब सरकार की इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को लगभग 1800 करोड़, 1800 करोड़ रुपए की क्लेम राशि ऑलरेडी दी जा चुकी है। अगर इतने रुपए किसी और सरकार ने दिए होते तो मैं जरूर कहता हूं उस सरकार को बड़ा गरीबों का मसीहा, हिंदुस्तान टाइम्स में हेडलाइन, टीवी पर 24 घंटे चर्चा, न जाने क्या क्या होता। लेकिन ये सरकार है जिसने 90 पैसे का बीमा, 90 पैसे का, 1 रुपये का बीमा और 1800 करोड़ रुपया उस गरीब को संकट के समय उसके घर पहुंचा दिया है। लेकिन गरीबों के लिए इतना बड़ा काम हुआ, मुझे नहीं लगता इस पर किसी ने ध्यान दिया है। यह भी एक सच है और जिसे मैं स्वीकार करके चलता हूं, कोई नोटिस करे न करे, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कन्विक्शन है, और मैं इसलिए कर रहा हूं ये किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। एक और उदाहरण एलईडी बल्ब का है। पहले की सरकार में जो एलईडी बल्ब 300-350 का बिकता था, वो अब एक मध्यम वर्ग के परिवार को लगभग 50 रुपये में उपलब्ध है। उजाला योजना शुरू होने के बाद देश में अब तक लगभग 28 करोड़ एलईडी बल्ब बिक चुके हैं। इन बल्बों से लोगों को 14,000 करोड़ रुपए आपके गले नहीं उतरता हूं एक आंकड़ा 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुमानित बचत इस एलईडी बल्ब को लगाने वालों के जेब में बच गई है। 14,000 करोड़ रुपया बचना,
मध्यम वर्ग के परिवार की जिंदगी में इतनी बड़ी रकम बचना ये छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर मेरी सरकार ने 14,000 की कोई स्कीम लागू की होती तो शायद आने वाले 50 साल के लिए मध्यम वर्ग की मेरी वोट बैंक खड़ी हो जाती है। ये जो बदलाव है, ये नई सोच, नया तरीका, बहुत लोगों के लिए पल्ले पड़ना बड़ा मुश्किल जा रहा है जी। ऐसा भी नहीं है कि बचत पर बिजली बिल कम होने पर कुछ समय में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये जो बचत हो रही है ये निरंतर होती रहने वाली है, ये वन टाइम नहीं है। और ये बचत भी अब परमानेंट है, ई रिवर्सेबल है। भाइयों और बहनों, पहले ही सरकारों को कोई मुझे बताए क्या किसी ने उनको रोका था? मैं जानता हूं किसी ने रोका होगा, लेकिन इतना जानता हूं कि सिस्टम में स्थायी परिवर्तन लाने के फैसले लेने से, देश हित में फैसला लेने से किसी के रोके रुकने वाली ये सरकार नहीं है। जो लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि देश जादू की छड़ी घुमाकर नहीं बदला जा सकता, मैं मानता हूं ये सोच रखने वाले लोग हताशा और निराशा से भरे हुए हैं। कोई इनकार नहीं करता जादू की छड़ी से नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हाथ पर हाथ धरे रखकर के बैठे रहें। ये अप्रोच हमें कुछ भी नया करने से, इनोवेटिव करने से, रिस्क लेने से रोकती रहती है। ये अप्रोच हमें फैसला लेने से रोकती है। इसलिए इस सरकार की अप्रोच इससे बिल्कुल अलग है। जैसे यूरिया की नीम कोटिंग की ही बात करें, पहले की सरकार में यूरिया की 35% नीम कोटिंग होती थी और ये उनका फैसला था और उन्होंने उस पर अपना बंधन डाला हुआ था, 35% ज्यादा नहीं करना, जबकि पूरे सिस्टम को पता था कि 35% नीम कोटिंग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यूरिया का डायवर्जन रोकना है, फैक्ट्रियों में जाने से रोकना है, तो उसकी 100% नीम कोटिंग करना बहुत ही जरूरी है। श्रीमान भरतिया जी यहां बैठे हैं, भरूच में उनका केमिकल की फैक्ट्री, उनको मालूम है कि यूरिया कहां से कहां जाता है, उनके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी दुनिया है। ये रुक गया, लेकिन ये फैसला पहले नहीं हुआ। इस सरकार ने फैसला लिया यूरिया की पूरी तरह नीम कोटिंग का। भाइयों और बहनों, इस फैसले से ना सिर्फ यूरिया का डायवर्जन रुका है बल्कि उसकी अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। अब किसान को उतनी ही जमीन के लिए कम यूरिया डालना पड़ता है। इतना ही नहीं, कम यूरिया डालने के बावजूद भी उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही अब हम देश में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिस पर आकर किसी भी जगह का किसान कहीं से भी अपनी फसल बेच सकता है। ये देश में बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन होने जा रहा है। ईनैम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से अब तक देश की 450 से ज्यादा मंडियां को ऑनलाइन जोड़ा जा चुका है। भविष्य में ये प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत दिलाने में बहुत मदद करने वाला है। अभी हाल ही में
सरकार ने देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए, स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है कि खेत या बाग में पैदा होने के बाद जो अनाज या फल मंडी तक पहुंचने से पहले खराब हो जाते हैं उसे बचाया जाए। सरकार इस योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी मजबूत कर रही है ताकि किसान का खेत एक इंडस्ट्रियल एंटिटी के रूप में वो उस प्रकार का भी काम कर सके। फूड पार्क पर, फूड प्रोसेसिंग पर, इन सारी बातों से जुड़ी आधुनिक तकनीक पर, नए गोदामों पर, एग्रो प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर सरकार ने सीड मनी के रूप में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का ऑलरेडी फैसला कर लिया है। भाइयों और बहनों, समय के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे लोगों का मूड होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रहा है इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। सिक्किम आज हमारा एक राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है और सिक्किम की तरह ही देश के कई राज्यों में 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनने की क्षमता है और विशेष करके हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं इसे और बढ़ावा इस क्षेत्र में हम दे सकते हैं और इसके लिए भी सरकार 10,000 क्लस्टर बनाकर उनमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। अभी हाल ही में हमने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब तक बांस को देश के एक कानून में पेड़ माना जाता था और आप हैरान होंगे भारत सरकार के दो अलग कानून, एक में वो पेड़ था तो दूसरे में वो ग्रास था, क्योंकि सरकार साइलों में चलती है तब ऐसा होता है। उसे पेड़ माना जाता था और इस वजह से बांस काटने को लेकर बहुत सारी कठिनाइयां होती थी, जेल तक जाना पड़ता था। अब सरकार ने बांस को पेड़ की लिस्ट से हटा दिया है और इसका फायदा देश के दूर दराज के इलाकों में और खासकर उत्तर पूर्व के किसानों को होगा जो बांबू फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट के लिए काम करते हैं। आप हैरान होंगे अगरबत्ती बनाने के लिए, पतंग बनाने के लिए हमें बांबू इंपोर्ट करना पड़ रहा है इस एक कानून की गड़बड़ के कारण। हमारे देश में किसान खेत के किनारे पर भी अब बांबू की खेती कर सकता है, बांबू बेच सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले की सरकार द्वारा बनाए गए एक और कानून में, जैसा मैंने पहले कहा, यानी दो डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात न करते हो और ये विरोधाभास लंबे अरसे तक से चलता आ रहा है। हमारी सरकार में एक होलिस्टिक अप्रोच है, साइलो से बाहर निकल करके सोचने की एक परंपरा हमने खड़ी की है और फैसले भी मिलजुल करके लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। इस तरह के फैसले पहले नहीं लिए जा रहे थे और इसीलिए देश का हर व्यक्ति व्यवस्था से जूझता रहता था, उसकी पूरी शक्ति उसमें खप जाती थी। वो देश को आंतरिक बुराइयों से मुक्त देखने के साथ ही नई व्यवस्थाओं के निर्माण को भी होते हुए देखना चाहता है। भाइयों और बहनों, हमारे यहां जो सिस्टम था उसने भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार बना दिया था। काला धन ही देश के हर बड़े सेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। 2014 में
देश के 125 करोड़ों ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें वोट दिया था। उन्होंने वोट दिया था देश को लगी बीमारियों के परमानेंट इलाज के लिए। उन्होंने वोट दिया था न्यू इंडिया बनाने के लिए। डीमोनेटाइजेशन के बाद देश में जिस तरह का बिहेवियरल चेंज आया है उसे आप स्वयं भी महसूस करते होंगे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भ्रष्टाचारियों को काले धन के लेन देन से पहली बार डर लगने लगा है, उनमें पकड़े जाने का भय आया है। जो काला धन पहले पैरेलल इकोनॉमी का आधार था वो डीमोनेटाइजेशन के बाद फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना है। और बड़ी बात ये भी है कि बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ पैसा आया ही नहीं है, उन पैसों के साथ जाने अनजाने में सबूत भी आ गया है। देश को जो डेटा मिला है मैं समझता हूं वो किसी भी खजाने से कम नहीं है। इस डेटा की माइनिंग से पता चला है कि हमारे देश में एक ही एड्रेस पर 400, 500 कंपनियां चल रही थी और एक एक कंपनी ने 2,000 बैंक अकाउंट खुलवाए थे। ये कलकत्ते के लोग यहां बैठे उनको पूरा भलीभांति पता है। ये अजीब विरोधाभास नहीं था क्या? एक तरफ गरीब को बैंक में एक अकाउंट खुलवाने में दिक्कत आती थी और दूसरी तरफ एक कंपनी आसानी से हजारों अकाउंट खुलवा लेती थी। नोटबंदी के दौरान इन अकाउंट्स में भी जो हेरा फेरी की गई है वो भी पकड़ में आ गए हैं और अब तक ऐसी लगभग 2.25 लाख कंपनियों को डी रजिस्टर किया जा चुका है। इन कंपनियों में जो डायरेक्टर थे जिनकी जिम्मेवारी थी कि ये कंपनियां सही तरीके से काम करें उनकी भी जिम्मेवारी फिक्स की गई है और मैं जानता हूं उसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। उनके अब किसी और कंपनी में डायरेक्टर बनने पर रोक लगा दी गई है। साथियों के ऐसा कदम है जो हमारे देश में स्वस्थ और स्वच्छ कॉरपोरेट कल्चर को और मजबूत करेगा। जीएसटी लागू होना देश की आर्थिक स्वच्छता के लिए एक अहम कदम है। 70 वर्ष में जो व्यवस्था बन गई थी, कारोबार करने में जो कमजोरियां थी, जो मजबूरियां थी, उन्हें पीछे छोड़कर देश अब आगे बढ़ चला है। जीएसटी से भी देश में ट्रांसपेरेंसी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। ज्यादा से ज्यादा व्यापारी भी इस ईमानदार सिस्टम से जुड़े हुए हैं। साथियों ऐसे ही एक इरिवर्सिबल चेंज को आधार नंबर से मदद मिल रही है। आधार एक ऐसी शक्ति है जिससे सरकार गरीबों के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहती है। सस्ता राशन, स्कॉलरशिप, दवाई का खर्च, पेंशन, सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी गरीबों तक पहुंचाने में आधार की बहुत बड़ी भूमिका है। आधार के साथ मोबाइल और जनधन अकाउंट की ताकत जुड़ जाने से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हुआ है
जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचा तक नहीं जा सकता था, एक ऐसी व्यवस्था जो इरिवर्सिबल है। पिछले 3 वर्षों में आधार की मदद से करोड़ों फर्जी नाम से जो काम चले जाते थे, यानी ऐसी विधवाओं को पेंशन मिलता था जिस बेटी का कभी जन्म भी नहीं हुआ था, यानी फर्जी नाम से, उन सारी चीजों को हटाया गया है। और ये भी मैं बता के रखता हूं, तो ये फोरम है, शायद यहां से कहना ज्यादा अच्छा होगा, इस आधार का उपयोग बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी किया जाएगा। ये बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। भाइयों और बहनों, इस सरकार में सरकारी खरीद के पुराने तरीकों भी पूरी तरह बदला जा चुका है। हमने एक नई व्यवस्था विकसित की है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम, उसके नाम से आप ऑनलाइन जाकर के इसका उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सरकार में अब इसी के जरिए टेंडर दिए जा रहे हैं और सरकारी सामान की खरीदी हो रही है। अब कॉटेज इंडस्ट्री वाला भी, छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला भी, होम मेड इक्विपमेंट बनाने वाला भी जेम के माध्यम से सरकार को अपना सामान बेच सकता है, सप्लाई कर सकता है। भाइयों और बहनों, हमें एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें काला धन पैदा करना, सिस्टम की कमजोरी की वजह से भ्रष्टाचार करने की संभावना को कम करता चला जा रहा है। जिस दिन देश में ज्यादातर खरीद फरोख्त पैसे के लेन देन का एक टेक्निकल और डिजिटल एड्रेस होने लग गया, उस दिन से ऑर्गेनाइज करप्शन काफी हद तक थम जाएगा। मुझे पता है और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि जो कदम मैं उठा रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं और देश को जिस मंजिल पर पहुंचाने का मकसद लेकर के निकला हूं, इसकी कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका मुझे भला भारा अंदाज है। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। साथियों, जब योजनाओं में गति होती है तभी देश में प्रगति आती है। कुछ तो परिवर्तन आया होगा जिसकी वजह से सरकार की तमाम योजनाओं की स्पीड बढ़ गई है। साधन वही है, संसाधन वही है, अफसर वही है, दफ्तर वही है, फाइलें वही हैं, लेकिन सिस्टम में रफ्तार कैसे आएगी? कुछ तो किया होगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ब्यूरोक्रेसी में भी एक नई कार्य संस्कृति, एक नया वर्क कल्चर डेवलप कर रही है और उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना रही है। आज इसी का नतीजा है कि जहां पिछली सरकार में डेली 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब एक दिन में 22 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण होता है। पिछली सरकार के आखिरी 3 सालों में गांवों में 80,000 किलोमीटर सड़क बनती थी, हमारी सरकार के 3 साल में 1,20,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। पिछली सरकार के आखिरी 3 वर्षों में लगभग 1100 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ था, इस सरकार के 3 वर्षों में 2100 किलोमीटर से ज्यादा तक हम पहुंच चुके हैं।
पिछली सरकार के आखिरी तीन सालों में 2500 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ था, इस सरकार के तीन साल में 4300 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। पिछली सरकार के आखिरी तीन वर्षों में लगभग 1,49,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था, इस सरकार ने तीन वर्षों में लगभग 2,64,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। पिछली सरकार के आखिरी के तीन वर्षों में कुल 12,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता जोड़ी गई थी, इस सरकार के तीन साल में 22,000 मेगावाट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता को ग्रीड पावर से जोड़ा गया है। पिछली सरकार की तुलना में शिपिंग इंडस्ट्री के विकास की बात करें तो पहले जहां कार्गो हैंडलिंग नेगेटिव थी, वहीं इस सरकार के तीन साल में 11% से ज्यादा भी उसकी वृद्धि हुई है। साथियों, अगर बिल्कुल जमीनी स्तर पर जाकर के चीजों को ठीक नहीं किया गया होता, लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस नहीं किया गया होता, सिस्टम में जान न भरी होती, ट्रांसपेरेंसी न लाए होते, फैसले की जिम्मेवारियां न ली होती, तो क्या ये संभव होता? क्या ये देश इतनी तेजी से आगे बढ़ता? क्या ये सरकार इसी के कारण फैसले ले पाई है। बड़े और स्थायी परिवर्तन अचानक नहीं आते हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं, उसके लिए पूरे सिस्टम में बदलाव करना पड़ता है। जब ये बदलाव होते हैं तभी देश सिर्फ तीन साल के भीतर भीतर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142 से 100 पर पहुंच जाता है। भाइयों और बहनों, आप सभी को पता है कि 2014 में जब हम यहां आए थे तो हमें विरासत में क्या मिला था, आप उस समय के हिंदुस्तान टाइम्स को निकाल दीजिए। अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी, गवर्नेंस की हालत क्या थी, फिस्कल ऑर्डर और बैंकिंग सिस्टम की हालत क्या थी, सब कुछ कितना बिगड़ चुका था। आप लोगों को, खैर उस समय कुछ और भी कारण रहते हैं, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उतनी कठोरता से बातें नहीं बताई जाती थी और किस कम शब्दों में कह दिया जाता था, और हेडलाइन क्या होती थी, पॉलिसी पैरालिसिस। उससे कोई कठोर शब्द उपयोग नहीं होता था ज्यादा, बस इतने में कह दिया जाता था, और दुनिया कहती थी फ्रेजाइल फाइव। दुनिया के तमाम देश सोचते थे कि अर्थव्यवस्था के संकट से हम तो उभर लेंगे, लेकिन ये फ्रेजाइल फाइव जिसमें हिंदुस्तान का नाम था, ये तो डूबेंगे लेकिन हमें भी ले डूबेंगे। आज ग्लोबली भारत कहां खड़ा है, किस स्थिति में है, मैं समझता हूं आप उसे भली भांति परिचित है। बड़े हो या छोटे, दुनिया के ज्यादातर देश आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है, अब तो रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते जाना है। साथियों, जब एक राष्ट्र आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है तो ई रिवर्सेबल और रिवर्सेबल इन शब्दों के कोई मायने नहीं रहते हैं, वो उसकी सीमाओं को लांघ करके निकल पड़ता है। जब एक राष्ट्र आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाता है, फैसले लेता है, तो वो होता है जो पिछले 17 साल में नहीं हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चुनाव में
शायद हिंदुस्तान की मीडिया का बात पर इतना गया नहीं है, जब बारीकी से लोग देखेंगे तो पता चलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के चुनाव में भारत की सफलता पूरे विश्व की सोच में आते हुए बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। भाइयों और बहनों, जब योग को यूनाइटेड नेशंस में सर्वसम्मति से मान्यता मिलती है, तब उसका ई रिवर्सेबल राइस हम अनुभव करते हैं। जब भारत की पहल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन होता है, तब उसका ई रिवर्सेबल राइस लीडरशिप के अंश दिखाई देते हैं। साथियों, हमारी सरकार ने डिप्लोमेसी को एक ह्यूमैनिटेरियन, एक ह्यूमैनिज्म से जोड़ा है, मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा है। जब नेपाल में भूकंप आता है तो सबसे पहले भारत बचाव और सहायता के कार्य में लग जाता है। जब श्रीलंका में बाढ़ आती है तो भारत की नौसेना तत्परता से मदद के लिए सबसे पहले पहुंच जाती है। जब मालदीव में पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है तो भारत के जहाज पानी भर भर करके वहां पहुंचाने के लिए लग जाते हैं। जब यमन में संकट आता है तो भारत अपने 4,000 से अधिक नागरिकों को ही नहीं बचाता, बल्कि दुनिया के करीब करीब 48 देशों के 2,000 से ज्यादा व्यक्तियों को भी वहां से सुरक्षित निकाल करके उनके देश पहुंचाने का काम करता है। ये भारत की बढ़ती हुई साख और बढ़ते हुए विश्वास का परिणाम है कि आज विदेश में रह रहे भारतीय अपना माथा ऊंचा करके दुनिया के साथ आंख में आंख मिलाकर के बात कर रहे हैं। जब विदेश में, और कौन भारतीय को आनंद नहीं होगा, जब विदेश में चुनाव हो और वहां पर अब की बार कैमरन सरकार और अब की बार ट्रंप सरकार इसके नारे गूंजते हैं, तो ये भारतीयों के सामर्थ्य की स्वीकृति का ये जीता जागता सबूत होता है। भाइयों और बहनों, जब हर संगठन, हर समाज, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य को समझते हुए अपने स्तर पर बदलाव की शुरुआत करेगा, और तभी न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। न्यू इंडिया का ये सपना ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी है, ये 125 करोड़ देशवासियों का है। और आज समय की मांग है कि राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हर संस्था देश की आवश्यकताओं को समझते हुए, देश के सामने मौजूदा चुनौतियों को समझते हुए अपने स्तर पर कोई न कोई संकल्प करे। 2022 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 साल का पर्व मनाएगा, तब तक हमें उन संकल्पों को सिद्ध करना होगा, उसको पूरा करना होगा। मैं आप लोगों को खुद तो कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, न मेरी उतनी तपस्या है, न मेरा वो सामर्थ्य है, लेकिन इस देश के एक महान राष्ट्रपति, उन्होंने जो बात कही थी मैं उसे दोहराने का साहस जरूर कर सकता हूं। और उन्होंने कहा था, हमारे यहां का मीडिया इतना नेगेटिव क्यों है? मेरे शब्द नहीं है, मुझे यहां से बाहर जाना है। आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में हम अपनी ही क्षमताओं और उपलब्धियों से शर्मिंदा रहते हैं? हम इतने महान देश हैं, हमारे पास सफलता की इतनी अद्भुत कहानियां हैं, फिर भी हम उन्हें स्वीकार करने से मना कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी की बात मैं यहां पूरी करता हूं, ये उनकी बात मैंने बताई है। उन्होंने ये बात कई साल पहले कही थी। आप विद्वान जनों को ठीक लगे तो इस पर कभी अपने यहां भी
सेमिनारों में, न्यूज रूमों में जरूर चर्चा करें। मुझे उम्मीद है आप भी जो बदलाव करेंगे वो भी इरिवर्सिबल होगा। मेरा इस मंच से देश के पूरे मीडिया जगत को आग्रह है कि आप खुद भी संकल्प लीजिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए। जैसे आपने स्वच्छ भारत अभियान को अपना मान करके उसे एक जन आंदोलन में बदलने में एक बहुत ही सकारात्मक सक्रिय भूमिका निभाई है, वैसे ही संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा में भी आगे बढ़कर के आइए, देश के अंदर आपकी भागीदारी बढ़ाइए, देश को दिशा देने में साथ दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।